नमस्कार दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पे मैं अभिषेक चंदन मैकपाई की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सभी दर्शकों, मैकपाई के सभी दर्शकों और पाठकों का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कुछ यहाँ गणमान्य लोग हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आज मैं सभी का सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। हमारे बीच हैं विज्ञान लेखन के लिए चर्चित स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध इतिहासकार, आकाशवाणी के धारावाहिक वसंती चोला के लेखक, वाचक, प्रस्तुतकर्ता, दूरदर्शन के धारावाहिकों के लेखक, लोकप्रिय उद्घोषक, मंच संचालक, दमदार आवाज और ओज की कविताओं के प्रख्यात कवि प्रकाश। नमस्कार। हमारे बीच हैं मैकपाई के निदेशक बलवंत सिंह। हेलो। हमारे बीच हैं मैकपाई के छायाकार आशुतोष सिन्हा। हमारे बीच हैं मैकपाई के फैशन डिजाइनर शशि रॉय। नमस्कार सभी को। स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे, उसी प्रकार गणतंत्र दिवस भी आता है। साल में दो बार ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व आते हैं जिसमें हमें झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे मैं आशुतोष जी से शुरुआत करना चाहूंगा कि वो अपने इस पे मैकपाई के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें गणतंत्र दिवस के लिए शुभ अवसर पे, लोगों से अपनी साझा करें मैकपाई को किस तरीके से आप देख रहे हैं। आज के इस विशेष शुभ दिन पे उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन भी है, साथ ही उन सभी महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और शौर्य को याद करने का दिन भी है जिनके कारण हम गणतंत्र स्थापित कर सके। शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी पाई और देश के स्वतंत्र होने के 2.5 वर्ष पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के कर्णधारों ने भारत को नवीन संविधान को लागू किया। आज के दिन को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए हम 72वें गणतंत्र दिवस को खुशी से मनाएं और देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया आशुतोष जी, आपकी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा, कुछ लाइनें गुनगुना दें तो हम सभी के लिए जी, खुशी का मौका है। जी बिल्कुल। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अरे दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है,
हर दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, देख कवीरों की कुर्बानी, अरे देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, अरे जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, आज उसी को पहन के निकला, अरे आज उसी को पहन के निकला, हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक पंक्ति मैंने पहले भी दोहराया है जब मैं बता रहा था प्रकाश जी के बारे में, कि ये बसंती चोला नाम से एक धारावाहिक करते थे आकाशवाणी में, बरसों पुरानी बात है और काफी चर्चित धारावाहिक थी ये। अब मैं प्रकाश जी को, आदरणीय प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि कुछ हमारे मैकपाई के लिए उनका क्या अपना ओपिनियन है, क्या ख्याल है, उसको अपनी प्रस्तुति पेश करें। धन्यवाद। पहले तो भक्ति की धारा बही, उसी में मैं अपना स्वर मिलाता हुआ, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी, पहले देश फिर शेष, और शहीदों को प्रकाश की प्रणति विशेष। तीन रंगी बड़ा तिरंगा, कल कल निनादी मैग पाए कला गंगा, राई से पहाड़ गीदड़ गुम शेर की दहाड़, पूजे गूंजे गांव शहर, बह चली बहार नहर, प्रकाश तनिक तू भी यहां ठहर, आबाद यह कला डगर कनक कुंजी, आबाद यह कला डगर कनक कुंची, कलाकार कक्ष इंद्रधनुषी दिशा दक्ष, अस्फटिक सदृश पारदर्शी हर्षी उत्कर्षी, अस्फटिक सदृश पारदर्शी हर्षी उत्कर्षी, देख मैग पाए नूर नजर, भरपाई भरपूर नजर, साहित्य संगीत कला अमर अमृतदायी, चकाचौंधी मैग पाई कल्प वृक्ष फलदायी, महिमा मैग पाई मैग पाई। विद्वानों बंधुओं, समय समाज थे आहत, मिली जग को राहत, कोरोना संक्रमण काल था, एक सा सबका हाल था, मैक पाई को भी बाधाएं आई, सूरज पर भी बदलियां छाई, विश्व गुरु था है रहेगा, भारत जय जय भारत, संसार कहेगा संसार कहेगा। सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद के लिए धन्यवाद। अब मैं अपने गुरु जिन्होंने हमें सिखाया, जिनसे हम सीखे, और आज ये जो प्लेटफॉर्म, आज ये जो मंच हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अगर हम नहीं कर पाते, जब हमारे लिए हमारे गुरु नहीं होते, इन्होंने जो सिखाया आज वो हमें काम आ रहा है। तहे दिल से हमारे गुरु और मैकपाई के फैशन डिजाइनर शशि रॉय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी पंक्तियों में मैकपाई के लिए प्रस्तुति पेश करें। मैं उनका स्वागत करता हूं जो आपके गुरुदेव हैं, जिनकी वजह से
हम इस तरह से खूबसूरती के साथ भरपाई के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ आपके गुरुदेव का सबकी तरफ से। धन्यवाद। सबसे पहले तो इतने अच्छे शब्दों के लिए सभी आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम शशि रॉय है और मैं फैशन डिजाइनिंग में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जैसा कि आशुतोष जी ने कहा है भी कि और अभिषेक जी ने कहा कि इन्होंने मुझसे सीखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है और आप लोगों ने जो आज इज्जत अफजाई कर रहे हैं हमारी, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दो पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूंगा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। 72वीं वर्षगांठ हम लोग गणतंत्र दिवस की मनाने जा रहे हैं और इसमें अगर हम अपने जवानों के बारे में कुछ ना कहें तो ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगेगा। वैसे तो साल में दो बार हम लोग अपने वीर जवानों को बड़े दिल से याद करते हैं, लेकिन वो हमारे लिए 365 दिन गर्मी धूप बरसात हर तरह के मौसम की कटुता को झेलते हुए तैनात रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए दो पंक्तियां हैं। आओ झुक कर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, आओ झुक कर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, खुश नसीब होता है वो खून, खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब। तो ये हम सभी के अंदर में ये रहता है, बट ये किसी किसी को ही मौका मिलता है देश के काम आने का। हम सभी लोग अपने अपने हिस्से की जो कारगुजारियां हैं जिनके कारण हम लोग अपना देश को अपने अपने हिस्से की एक योगदान दे रहे हैं, उसमें मैं मैगपाई ने एक छोटा सा एक स्टेप लिया है कि बर्डिंग फैशन डिजाइनर्स बर्डिंग आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म देने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि क्रिकेटरों के लिए अभी आईपीएल चल रहा है, तो ये एक छोटा सा आईपीएल एक फैशन डिजाइनर लोगों के लिए है। फैशन डिजाइनर एक छोटे छोटे आर्टिस्ट, हम अभी जैसे मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे टिकुली आर्ट, मधुबनी आर्ट, बहुत सारे लोग इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं जो गांव में है, जिनका हुनर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाया है, तो वैसे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होगा, जिसके लिए कि हम लोग अभी शुरुआत है और जस्ट हम लोग इसको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे और धीरे 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 उनका हुनर हम लोग सभी देशवासियों और भगवान करे कि वो इंटरनेशनली हमारा वो एक प्लेटफॉर्म हमारे को मिले और हम उनको वो दे सके। थैंक यू वेरी मच। वाकई छोटे ही तो बड़े होते। आप सभी को टीम को जी जी थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी को एक बार फिर से 72वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वाकई छोटे ही तो बड़े होते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद शशि जी। अब मैं मैगपाई के निदेशक बलवंत सिंह को आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि कुछ अपने शब्दों में कहें और यहां सभी गणमान्य व्यक्तियों का एक बार फिर से सभी को स्वागत करते हुए सभी को धन्यवाद कहें। बलवंत जी, इस प्लेटफॉर्म पे आए सभी आगंतुक लोगों का हार्दिक दिल से धन्यवाद। मैगपाई एंड साथ साथ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं जो हमारे साथ चलती रहेगी, सारों साल आती रहेगी और हम इसी खुशी हर्षोल्लास के साथ इसे हम मनाते रहेंगे। मैगपाई की शुरुआत हमने मैगजीन्स के लिए ही सोच के किया था
साथ में हमने और सभी चीजों को भी जोड़ा था। फाइनली आप सभी के बदौलत आज हम ई मैगजीन प्लेटफॉर्म के आधार से शुरुआत किए हैं और मुझे उम्मीद है अगर हम इसी लगन के साथ काम करते रहें तो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे और जाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बलवंत जी, बहुत अच्छा। दोस्तों हमारे बीच कुछ लोग और जुड़ रहे हैं और मैं इनका भी परिचय आपको करा दूं। मैगपाई के सेल्स एंड मार्केटिंग टीम के हेड मुकेश सिंह और गायिका रोमी सिंह। नमस्ते। तो मैं मुकेश जी से शुरुआत करना चाहूंगा कि आप मैगपाई के मार्केटिंग और सेल्स टीम हेड हैं, मैगपाई के भविष्य के लिए एक इसको जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार करा है, आपने जो सहयोग दिया है इस प्लेटफॉर्म को तैयार करने में और नए उभरते हुए आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनरों के लिए जो आपने प्लेटफॉर्म ये मंच दिया है, आपको किस नजर आपके अपने ओपिनियन से आपके किस नजरिए से आप क्या मतलब आपका नजरिया क्या है, क्या आप किस तरीके से आप देखते हैं कि भविष्य मैगपाई का किस तरीके से का रहेगा और आपकी क्या अपनी प्लानिंग है, अपनी क्या ओपिनियन है? देखिए हमने काफी चिंतन किया इस विषय को लेके कि ये जो अभी पैंडेमिक आया था इस चक्कर में कई लोग जो थे वो अपने घरों तक सीमित होके रह गए। उस सीमित क्षेत्र को समाप्त करने के लिए ही हमने इस मैगपाई की मैगजीन का शुरुआत। हमारा मेन उद्देश्य इससे यही है कि जिन लोगों को पूर्ण रूप से प्रकाश में आने का मौका नहीं मिला उनको हम एक प्रकाश बिंदु पर लेके आए जहां से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके और प्रतिभा को दिखाने के लिए कोई ना कोई एक मंच होना जरूरी है। ये एक तरह से उन लोगों के लिए मंच है जो इच्छुक है और हमारी यही संभावना है, कोशिश जितनी हो सके ये करें कि जितने ज्यादा लोगों को हम जोड़ सके और अपनी बात वहां तक पहुंचा सके और जितने लोगों को हम जोड़ेंगे उतने लोग स्वतः ही उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ा परिवार बनाने की इच्छा है और जिसमें सब लोग अपना अपना योगदान दें। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। जैसा कि हमने पहले भी सुना है, हमारे गुरुजी शशि जी ने कहा था कि ये मंच जो है एक तरह का जैसे क्रिकेट में आईपीएल होता है वैसे हम ये फैशन डिजाइनरों के लिए आर्टिस्ट लोगों के लिए ये एक मंच रहेगा उसी प्रकार का। तो इस बात की पुष्टि भी है और जैसा मुकेश जी ने कहा, मैं शशि जी के पास एक बार फिर से अनुरोध उनसे करूंगा कि कुछ अपनी इस इन बातों पे कुछ अपने शब्दों में इसको थोड़ा विस्तार दें कि किस तरीके का ये प्लेटफॉर्म मंच जो है रहेगा भविष्य के लिए। शशि जी हम लोग काफी दिनों से इसके बारे में बात कर रहे हैं, जब मैगपाई स्टार्ट करने की बात हुई थी तभी से हम लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था और इसका रिसर्च करते करते हम लोग बहुत दूर तक निकल गए थे, काफी विलेज इलाके में भी गए थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनके आर्ट को जिनके जो कला है उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है जिनके कारण वो गुमनामी की जी रहे गुमनामी में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसा है जैसा कि पटना आर्ट कॉलेज में भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको कि जैसा पटना में देखा है कि बाउंड्री वॉल पे जो मधुबनी पेंटिंग हो रहे हैं काफी सारे आर्टिस्ट गांव देहात से आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मिला नहीं है इस तरह का। उन लोगों से भी हम लोग कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अपना इंडिविजुअल आर्ट
हम लोग कोशिश करेंगे कि मैगपाई के प्लेटफॉर्म पे हम उसको ला करके उनको एक नाम दे सके, ताकि वो लोग भी अपना आर्ट एंड कल्चर को दुनिया भर में बिखेर सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि इवन हिंदी बोलना नहीं आता है, उनके पास अगर हम आर्ट और कल्चर की बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों से भी बहुत अच्छा होता है, बट वो उसको ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते अपने आर्ट को। दिस इज द रीजन कि वो उनको काफी उभर करके हम लोगों के सामने नहीं आ पा रहे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक टीम बना करके वैसे लोगों के पास तक पहुंचे और उनका आर्ट को हम अपने मैगपाई के प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए और देश दुनिया सभी को उनके बारे में बताएं, ताकि उनका हमारा आर्ट एंड कल्चर सभी लोगों को पता चले और उनको एक रोजगार भी हमारे थ्रू मिले, जिससे उनका जीवन यापन एक बेहतर ढंग से हो पाए। क्योंकि कलाकार तभी तक अपना एक तभी तक उसको रोजगार जब तक नहीं मिल पाता है ना, तब तक वो कलाकार एक कलाकार रहता है, और जैसे ही पैसा आने लगता है तो वो प्रॉब्लम उसके साथ में बहुत सारी चीजें खड़ी होने लगती है। तो उसके साथ में हम लोग मिल करके सभी हमारा टीम जो है हम लोग एक टीम बना रहे हैं, उनके साथ में मिल करके हम लोग खड़े रहेंगे, उनको हर तरह की सहायता मुहैया कराएंगे और उसको आगे तक लेकर के जाएंगे। जी थैंक यू। अब मैं रोमी जी से अनुरोध करूंगा कि गणतंत्र दिवस के का मौका है, हम चाहेंगे कि उनसे कुछ गीत देशभक्ति गीत सुनने का अवसर मिले हम लोगों को दर्शकों को, तो कुछ पंक्तियां गुनगुनाने का अनुरोध मैं करता हूं रोमी जी से। रोमी जी जी शुक्रिया, मैं आप लोगों को एक लता जी का सॉन्ग सुनाती हूँ। जी ऐ मेरे वतन के लोग। वाह बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर गाना आपने लिया है। थैंक यू। जरा याद करो और
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वाह, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत लंबा सॉन्ग है लेकिन मैंने इसको टाइम अकॉर्डिंग, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब रहा। जब भारत की बात हुई थी तो मैं बैठे बैठे मैंने चंद्रायनी लिखी थी, जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथियों के साथ बांटूं। जी बिल्कुल। और मेरे सामने तो स्वयं प्रकाश जी बैठे हुए हैं जिनकी लेखनी के बारे में हम सब जानते हैं, तो उनके आगे बस कोशिश भर है हमारी। स्वागत है, स्वागत है। अभिमान है, मान है, अभिमान है, भारत का रहने वाला, बस यही थी मेरी पहचान। रहूं कहीं भी कितनी ही भीड़ के बीच, रहूं कहीं भी कितनी ही भीड़ के बीच, भारत की मिट्टी में पला मेरा चमकता लाट ही मेरी पहचान। रहूं कितनी ही भीड़ में, भारत की मिट्टी में पला मेरा चमकता लाट ही मेरी पहचान। वीर निकले अनेक यहाँ, वीर गति जिन्हें पाई है, वीर निकले यहाँ, वीर निकले यहाँ अनेक यहाँ, वीर गति जिन्होंने पाई है, उनके बलिदानों ने आज ये नया सवेरा हमें दिखलाई है। नमन है कोटि कोटि मेरा उनके चरणों में, जिन्होंने वतन पर हंसते हंसते अपनी जान। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देशभक्ति की ऐसी भावना ही है कि आदमी बह जाता है उसमें। और कहा जाता है कि बूढ़ी हड्डी में फिर से आई नई जवानी। तो आप नौजवानों को देखकर मैं अपने को भी उसी तरह का नौजवान मानने लगा हूं। आप ही के नक्शे कदमों पे हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे प्रेरणा लेके। और एक बात मुझको ऐसा लग रहा है कि आ रही है मेरे मन में, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और आप जैसे शशि बाबू और आपने सबने जो जो अपनी भावना व्यक्त की, तो हमने ये पढ़ा कि एक लोहे को कैसे चुंबक बनाया जाता है और हर लोहे में उसके अणु होते हैं और उसमें दो ध्रुव उसके होते हैं, उत्तर और दक्षिण, एन पोल और एस पोल। और जब आप घर्षण पद्धति से उस पर चुंबक को ले जाएंगे तो उसके जिस पोल से ले जाएंगे उसके विपरीत के पोल उसकी तरफ से आकर्षित होकर जी। और एवं प्रकार से वह लोहा भी चुंबक बन जाता है। मुझको लगता है कि आप कलाकारों ने मिलकर जो कलाकार किसी वजह से उपेक्षित पड़े हुए हैं, उनमें हुनर है जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, उनकी कला और वे कलाकार देश के सामने अवश्य आएंगे, अपने हुनर को दिखलाकर देश, यह भी एक देशभक्ति है कि देश का ही कल्याण, देश में अपने को समर्पित करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए मैं भाई बहुत ही साधुवाद का। थैंक यू वेरी मच सर। कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये कहावत हमने बहुत पुरानी सुनी है और कई कई बार बहुत से कवि सम्मेलनों में कभी इस तरह की जो मुहावरे हैं सुनने को मौका मिला है। यहाँ आशुतोष जी ने अपने गीत प्रस्तुत किए, प्रकाश जी ने अपनी कविता प्रस्तुत की, हमारे गुरुदेव शशि जी ने भी अपनी चंद पंक्तियां प्रस्तुत की,
बलवंत जी का बलवंत जी ने सभी को स्वागत किया। तो मेरी भी दिली ख्वाहिश हो रही है कि चंद पंक्तियां मैं भी दोहराऊं। बिल्कुल आपका भी स्वागत है। मेरी जो प्रस्तुति मैं जो प्रस्तुति पेश करने जा रहा हूं वो कोई साधारण प्रस्तुति नहीं है। पंक्तियां जो हैं राष्ट्रीयता के अमर कवि अंग कोकिल डॉक्टर परमानंद पांडे कृत हिंदी प्रथम कारगिल काव्य विदा करो तुम तिलक लगा से उद्गृत है। उनकी उस कृति से ही मैं चंद पंक्तियां ले रहा हूं जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं अभी मैं रुक न सकूंगा पल भर को, सीमा पर मेरी है पुकार, सरहद में घुसने से पहले करना है दुश्मन का शिकार। मैं रुक न सकूंगा पल भर को, सीमा पर मेरी भी पुकार, सरहद में घुसने से पहले करना है दुश्मन का शिकार। गर्दन दे दूंगा खुशी खुशी पर हार नहीं मानूंगा, आखिरी बूंद तक शोणित की अशांत युद्ध में ठानूंगा। दुश्मन से जब लोहा लूंगा लोहे के चने चबा दूंगा, हिमगिरी से आठक रहने का होता जो मजा चखा दूंगा। जिंदगी मौत में भेद नहीं होती केवल जीत हार, रण से भागे जो मौत वही जिंदगी वही जो दे निशार। हम सबका उनको लाख नमन जो जिए देश की रक्षा पर, जय जय हो सदा शहीदों का जो मेरे देश की रक्षा पर, जय जय हो सदा शहीदों का जो शहीद हुए देश की रक्षा पर। हर प्रातः हम उनके मजार पर सौ सौ फूल चढ़ाएंगे, हर शाम उन्हीं की श्रद्धा में हम सौ सौ दीप जलाएंगे, हर शाम उन्हीं की श्रद्धा में हम सौ सौ दीप जलाएंगे। वाह बहुत सुंदर अभिषेक चंदन जी, और आपने सही कहा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो आप ही के स्वर में पुनः दो पंक्तियों से सात स्वर मिलाना चाहता हूं। इस बधाई के साथ कि अगर बीजारोपण करने के बाद पानी पटाने के बाद पौधा बड़ा होता है, पौध बड़ी अगर होती है और जब उसका फल सामने पेड़ लगाने वाला पाता है तो सच समझा जा सकता है कि धरती को उर्वर बनाने के बाद बीज रोपने के बाद फल तक आने में कितनी मेहनत कितना श्रम और कितना समय लगा होगा। मैं अपनी तरफ से इस बड़े आयोजन में और मकपाई के फूलने फलने में जिनका भी श्रम लगा है गिलहरी की तरह और या फिर उससे ज्यादा, सबके प्रति मैं साधुवाद देते हुए यह भी कामना करता हूं कि मैकपाई कभी रुके नहीं, उसके कदम उच्च शिखर तक पहुंचे। और मैं चंद पंक्तियां शहीदों के लिए, मैं अभी यहां बात कर रहा हूं वो बेशक माइनस अनेक डिग्रियों पर हमारे जो सेना के या हमारी फौज के जो जवान हैं वहां पर खड़े हैं, इसकी रक्षा कर रहे, तभी हम कोई भी काम देश में चैन के साथ कर रहे हैं। उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करता हुआ मैं, चढ़ चढ़ तोड़े गद्दारी छाती, चढ़ चढ़ तोड़े गद्दारी छाती, बाहर भीतर वतन घाती, चूड़ियां अर्पित सीमा पर, चूड़ियां अर्पित सीमा पर, सिंदूर समर्पित सीमा पर, नोक भारत के भाले की नहीं कभी कमजोर, नोक भारत के भाले की नहीं कभी कमजोर, वंदे भारतम अभी पुरजोर, सभी पुरजोर, वंदे भारतम, वंदे भारतम, वंदे भारतम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी से निवेदन दूंगा और समापन करूंगा कि हमारी प्रथम प्रति जो है वो आ चुकी है और उम्मीद है कि आप सभी ने उसको पसंद किया होगा। हमारी अगली प्रति जो है
फरवरी महीने में आने वाली है और वो जो है एक स्पेशल एडिशन है, वैलेंटाइन स्पेशल एडिशन। हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश है और खास आपके लिए, आप लोगों के लिए, मैट पाई के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी पाठक हैं, सभी के लिए हम ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सब फरवरी महीने में वैलेंटाइन स्पेशल दूसरा सेकेंड एडिशन, दूसरी प्रति जो है मैट पाई की। अंत में मैं सभी से को धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हम जल्द ही फिर से मिलेंगे और फिर से आपके लिए एक नई प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक चंदन जी, आशुतोष जी, शशि जी और